देश में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा क्षेत्र तक जरूरी से जरूरी कदम उठा रही है। खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए भारत सरकार सैनिक से लेकर सेना और सैन्य उपकरणों पर विशेष ध्यान दे रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के तहत भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कई हथियार सौंपे। इसमें एंटी पर्सनल लैंड माइन निपुण, पेंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर इन अ सिस्टम यानी FINSAS की नई हथियार प्रणालियों और AK-203 असॉल्ट राइफल और शस्त्रों की जानकारी भी दी गई। क्या है FINSAS? FINSAS यानी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम भारत की अपनी पैदल सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने का कार्यक्रम है। FINSAS को भारतीय पैदल सेना को उन्नत हथियारों, संचार नेटवर्क और युद्ध के मैदान पर सूचना तक तेजी से पहुंचाने संबंधित एक प्रणाली है जो सैनिकों की हर उस जरूरत को पूरा करेगा, जो उन्हें हर परिस्थिति से निपटने की न सिर्फ ताकत देगा बल्कि 100% जीत भी दिलाएगा। बता दें ये बाकी देशों में अपनाई जा रही प्रणाली के जैसा ही है जो भविष्य के सैनिकों को एडवांस्ड करने की ताकत रखेगा। FINSAS में भविष्य के डिजिटल युद्ध क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नेटवर्क वाले सभी इलाके, हर मौसम में व्यक्तिगत उपकरण प्लेटफॉर्म, उन्नत मारक क्षमता और गतिशीलता शामिल है, जिसमें सैनिकों द्वारा उठाए गए वजन को कम से कम करना भी शामिल है। कल की पूरी तरह से एकाकीकृत इन्फेंट्री अपने साथी सैनिक टीम उप इकाई के साथ एकाकीकृत मिशन उन्मुख उपकरणों से लैस होगी। इस सिस्टम को इस्तेमाल में लाने वाले जवान ने खुद रक्षा मंत्री को इसके बारे में जानकारी दी। जी मां, मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूं। जी मां, भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। दूसरा, सर्वाइवेबिलिटी। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गूगल, ब्लड प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। पहनी गई वर्दी से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट और AK-203 तक इसमें शामिल की गई हैं। अपनी सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखने के इरादे से कार्यक्रम के आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकांश उपकरण स्थानीय रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा प्रमुख डेवलपर और सिस्टम इंटीग्रेटेड के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।